सरकार से क्या अपील करोगे गुरुजी के? ये करेंगे कि हमारे गुरुजी को छोड़ दो, वहाँ से रिहा कर दो जेल से, और जी अच्छी शिक्षा देते हैं, समाज को अच्छा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को अच्छा बना रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सा। ये है लोगों के विचार, रियल फैक्ट, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधी जनता की जुबानी, आपके सामने रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का जानने के लिए लगातार हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। सवाल करते हैं सीधा जनता से कि क्या कहती है जनता सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है जी, उषा इंसा। उषा जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े? परम पिता जी के जमाने से उसमें लगी हुई हूँ डेरे में। बहुत लंबा समय हो? हाँ जी, बहुत लंबा समय हो गया, 40 साल कम से कम, 45। किस तरह का माहौल आपने देखा डेरा सच्चा सौदा? कभी गलत माहौल नहीं देखा है यहाँ पे, अच्छी सही शिक्षा देते हैं पिताजी, सबको सही शिक्षा देते हैं, बुराई से बुराई हटाते हैं, समाज की अच्छी शिक्षा देते हैं, सब अच्छाई पे चलो ऐसे कहते हैं पिताजी हमें। जी जी, बेटियों को लेकर कैसा माहौल है यहाँ? बेटियों को लेकर भी अच्छा माहौल है, हमने कभी गलत नहीं देखा है यहाँ पे। जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, उनके बारे में क्या कहना है? हम तो झूठ कहेंगे जी, हमने कभी देखा ही नहीं, जब इतने समय से जुड़े हुए हैं, पहले गुरुजी थे, जब से जुड़े हुए हैं, हम कैसे कहते हैं गलत करते हैं हमारे पिताजी, कभी हमने गलत नहीं देखा। रात में भी रुकते हैं हम यहाँ पे, सेवा भी करते हैं, कभी नहीं देखा गलत, सत्संग भी सुनने आते हैं, हमने तो कभी गलत नहीं देखा। जी का नेचर व्यवहार किस तरह का? गुरुजी जब हमें अच्छी शिक्षा देते हैं तो अपने आप के लिए कैसे कैसे होगा, आप ही सोचो। हमें तो ऐसा अच्छी शिक्षा देते हैं, बचनों पर रहो, माँ भाई बहन का रिश्ते, सब रिश्तों को रिश्ते समझो, गलत रास्ते पर ना चलो, हमें तो ऐसी शिक्षा देते हैं, पहले से यही शिक्षा दी, जब इनसे पहले गुरुजी थे तो भी वही शिक्षा देते थे, ये गुरुजी हैं ये भी यही शिक्षा देते हैं। समाज के लिए या देश के लिए क्या काम किया उन्होंने? देश के लिए सब काम अच्छे कर रहे हैं, गरीबों की लड़की की शादी कराते हैं, हमें संगत को भी ऐसे ही जोड़ते हैं, भाई गरीबों की शादी कराओ, सब कोई गलत नहीं करते, राशन दो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, हमें ये शिक्षा देते हैं गुरुजी। क्या आज समाज को उनकी जरूरत है? जरूरत है, बुराई बढ़ रही, अच्छाई की जरूरत है, सबको जरूरत है, सबके बेटी बहन है। पिछले 2-3 सालों से नहीं है तो क्या फर्क आया उनके ना रहने से? उनके यहाँ, उनके वहाँ रहने से जो शिक्षा दे रखी संगत को, सब संगत उस पर ही चली हुई है, अभी तक कोई फर्क नहीं है।